जील सिंगारेडी के जहीराबाद एमएलए कैंप ऑफिस में। सुमैया फातिमा, जनाब सैयद जलील साहब की दुख्तर है। सैयद जलील साहब जो कि स्काईलाइन मोबाइल शॉप के ओनर्स हैं। समिया फातिमा को फ्री एमबीबीएस सीट मिलने पर एमएलए कैंप ऑफिस में समिया फातिमा को साल पोशी गुलपोशी से नवाजे गया। जहराबाद के एमएलए के मानिक राव, टीएसआईडीसी के चेयरमैन मोहम्मद तनवीर, डीसीएमएस के चेयरमैन शिव कुमार, जहराबाद बीआरएस पार्टी टाउन के सदर उल हज सैयद मुही अल्दीन, सौभी ने समिया फातिमा सैयद जलील साहिब को मुबारकबाद दी। जनाब सैयद जलील साहिब ने खिताब किया कि चीफ मिनिस्टर के सीआर वजीर टी हरीश राव, जहीराबाद के एमएलए के मानिक राव, टीएसआईडीसी के चेयरमैन मोहम्मद तनवीर, डीसीएमएस चेयरमैन शिव कुमार, सुबी का सैयद जलील ने शुक्रिया अदा किया। दीगर लोग भी मौजूद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज यहाँ पर कैंप ऑफिस में आज ये जो प्रोग्राम लगाया गया है, ये हमारी बेटी सुमैया फातिमा माइनॉरिटीज कोटे में एमबीबीएस की फ्री सीट अलाट हुई है, उसके लिए जो है आज यहाँ पर एमएलए साहब हमारे को मधु किए थे। उन्होंने एमएलए साहब ने हमारी हौसला अफजाई की। हमारे साथ साथ उनका एक मैसेज पूरी माइनॉरिटीज़ के लिए ये था कि केसीआर साहब की हुकूमत माइनॉरिटी हमारी बीआरएस हुकूमत माइनॉरिटीज़ को एजुकेशन लेवल पर आगे ले जाने के लिए बहुत संजीदा है, और जो है पूरे माइनॉरिटीज़ के हमारे जितने भी भाई बहन बच्चे हैं उन सबसे जो है ना एक गुजारिश क्या है कि भाई एजुकेशन में आगे से आगे बढ़िए। आपको हुकूमत साथ है, केसीआर साहब साथ है, और जो है ना मैं आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से हमारे सुमैया फातिमा की तरफ से तेलंगाना गवर्नमेंट का और हमारे केसीआर साहब का, हमारे एमएलए साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जो अलर्ट की वजह से आया।